साथियों, मैं तो पूरे व्यवस्थित नहीं बता पाऊंगा, लेकिन अपने मिल्ट्री फार्म बरेली में जो परिस्थिति चल रही है उसमें भी सेम ये जो आप लोगों ने सुनी लिया। लेकिन सबसे मेन ये है कि जो वहाँ पर कैजुअल लेबर और डेली रेटेड है वो 20-25 साल से वहाँ पर काम कर रहे हैं और ओवर एज हो चुके हैं, उनको अब कहीं करने की क्षमता भी नहीं रह गई है और उनके साथ उनके परिवार के साथ क्या बीत रही है उस पर थोड़ा सा देंगे। और वहाँ पर मिलिट्री फार्म में इतनी जगह है, अपनी व्यवस्था है, चारे की अपनी व्यवस्था है, सब कुछ अपना होते हुए भी ये उसको व्यवस्थित नहीं कर पा रहे हैं और सरकार की इसमें पॉलिसी जो है वो गलत जा रही है। तो और हमारा दूध जो है हमारे मिलिट्री फार्म में अकेले ही एक महीने का 65,000 लीटर दूध है, और जो कि अभी दिल्ली में ही पीछे आंकड़े बताते हैं इनके, जितने हरियाणा पंजाब और इसके बॉर्डर से दूध आते थे सब सिंथेटिक पकड़े गए। हमारा पैस्टराइज करके देते हैं, आर्मी को शुद्ध दूध देते हैं, व्यवस्थित होता है, इसके बावजूद भी इस पर सरकार की निगाह गलत हो रही है। तो गलती है सबके लिए, इसके लिए आप सभी लोगों से जैसा होगा ठीक है।